हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज की इस अमेजिंग सी गैजेट से भरी वीडियो में। तो आज आप देखेंगे काफी सारे स्मार्ट और हाईटेक गैजेट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके सब्सक्राइब, बाजू में आने वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर रखिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फूल एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाते हैं, लेकिन अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा पौधा कभी खराब नहीं होगा क्योंकि ये आपके घर में रोजाना उगेगा और इसके टहनियों को फूलों से खूबसूरत बना देगा। और इसे आपको अपने घर में रखने के लिए आपको बस इसके पैकेट में से इसे निकाल कर इसे कुछ इस तरह से खड़ा कर देना है, जिसके बाद आपको इस पौधे को किसी नॉर्मल पौधे की तरह ही पानी दे देना होगा, जिसके बाद ये पौधा लगभग आधे घंटे में अपने सारी टहनियों को खूबसूरत फूलों से भर देगा, जिसे देखकर आप अपने पूरे दिन के मूड को ताजा रख पाएंगे। और अगर आप फूल उगते हुए देखना चाहते हैं तो आप इस पौधे में फूल उगते हुए बड़ी आसानी से देख सकते हैं। राइलो गाइस, अगर आप खतरनाक एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं तो आपको एक कैमरा बेहद काम आने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब आप खतरनाक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो आपको अपने हाथ में कैमरे को पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, जिसे कि आपके अच्छे खासे मोमेंट्स मिस हो जाते हैं। लेकिन अब आपके किसी भी मोमेंट्स को मिस ना करते हुए रिकॉर्ड करिए इस शानदार राइलो कैमरा की मदद से, क्योंकि आप इस कैमरे की मदद से हवा में उड़ते हुए और तेजी से साइकिलिंग स्टंट्स को करते हुए अपने इस राइलो कैमरा में पूरी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अपने साथ रखता है 5.8K कैप्चर क्वालिटी, जो बिना ब्लर के हाई क्वालिटी में वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड करता है। और इस कैमरे को आप अपने स्मार्टफोन के जरिए एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज आपके स्मार्टफोन में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग मैन गाइस, ये छोटा सा टॉय आपको एंटरटेन करने के लिए बना हुआ है। वैसे तो ये ड्रोन की तरह ही हवा में उड़ता है, लेकिन ये ड्रोन से काफी अलग ही है क्योंकि इससे आप काफी सारे स्टंट्स को कर सकते हैं। और इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली इसे असेंबल कर लेना है, जिसके बाद आपको सीधे रिमोट कंट्रोल को पावर ऑन कर देना होगा। और जैसे ही इसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होना रुक जाएगी तो आपका रिमोट कंट्रोल सक्सेसफुली बोर्ड से पेयर हो चुका होगा, जिसके बाद आप इन ट्रिगर्स को पुश करके इस ड्रोन को उड़ा सकते हो। और साथ ही आप इस बोर्ड में काफी सारे स्टंट्स भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। वेक्टर गाइस, वेक्टर आपको एक प्यारे से पेट एनिमल की तरह ही आपको एंटरटेन करेगा और साथ ही आपके छोटे मोटे कामों को भी कर लेगा, क्योंकि ये होता है स्मार्ट छोटा सा रोबोट जिसमें वॉइस रिकॉग्नाइज फीचर इनबिल्ट होता है और साथ ही इसमें स्मार्ट सेंसर्स भी लगे होते हैं। और ये देखने में जेसीबी की तरह ही नजर आता है, जिसे कुल मिलाकर 700 छोटे मोटे पार्ट से बनाया गया है, जिस पर आपको दो प्यारे से एलईडी लाइट्स यानी कि इस रोबोट की आंखें मिल जाती है, जिसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी इनबिल्ट होती है, जो डिस्चार्ज होने पर ये रोबोट खुद ब खुद ही अपने चार्जिंग पैड पर जाकर कनेक्ट हो जाता है, जिसे चार्ज होने के बाद आप इस रोबोट से छोटे मोटे कामों को करवा ही सकते हैं। और साथ ही आप इस रोबोट को अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड गाइस, आपने आसमान में बादल को उड़ते हुए तो काफी बार देखा होगा, तो आप उन आसमान में उड़ते हुए बादल को लेकर आइए अपने घर में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो गाइस इसे पॉसिबल करने के लिए आ चुका है ये कमाल का फ्लोटिंग क्लाउड, जो कम्प्लीटली रियल बादल की तरह ही नजर आता है और नजर आने के साथ ही साथ हवा में लेविटेट भी होता है और साथ ही इसमें एलईडी लाइट्स भी इनबिल्ट होते हैं। वैसे तो ये एक एम्बिएंट एलईडी लाइट होता है, जिसे बादल की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके बेस में मैग्नेट्स लगे होते हैं, जिससे कि एक क्लाउड मैग्नेटिक फोर्स से लेविटेट होता है। और साथ ही आपको इसमें बिजलियों की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि आपको एक असली बादल के जैसा ही फील होगा। और अगर इसकी पावर कनेक्टिविटी की बात करें तो आप इसे इसके केबल के थ्रू पावर ऑन करके रन कर सकते हैं।